कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। भाइयों बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सब का सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाइयों बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया, उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो, हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। हम न्याय चाहते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर देश चलाया जाएगा तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे।